और यू वेलकम। और आपको क्या दीजिए? वेल शरद बड़े भाई जैसा है एंड जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट हिम एंड चाहता हूँ कि आगे की लाइफ है अच्छे से गुजारे एंड जल्दी से जाके जल्दी हनीमून पे जाए और जो भी स्ट्रेस है ना वो दूर हो जाए उसका। बस यही मनोकामनाएं हमारी एंड ऑल दी वेरी बेस्ट शरद यार। मेरे एक्टर्स लाइफ आई थिंक वर्क का स्ट्रेस हमेशा से रहा है एंड आगे भी रहेगा। बट नाउ दैट ही इज मैरिड ही नीड्स टू मेक श्योर कि यार वो बाहर जाए घूमे एंड थोड़ा टाइम दे अपनी वाइफ को। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल काफ़ी इंजॉय किया। मैं कॉकटेल में नहीं जा पाया था बिकॉज कुछ और मुझे जाना था कहीं और, बट आज आई हैड टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पे आऊँ और शरद को कंग्रेचुलेट करूँ और ब्लेसिंग दूँ। बोला अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो मैं टिप्स देता। सो ऑब्वियसली एज अ बैचलर आई थिंक उसको मुझे टिप्स देनी चाहिए, मुझे उसको टिप्स देनी नहीं चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। इट्स हिज डे टुडे एंड इट्स जस्ट वेरी एक्साइटेड। या कल एक्चुअली स्क्रीनिंग है एंड इट्स वेरी एक्साइटेड एंड नर्वसनेस कुछ नहीं है। जिस दैट की यार चाहता हूँ कि जो पुराने शोज जो मैं कर चुका हूँ जिसमें अप्रिसिएशन भी इतनी सारी मिली थी, चाहता हूँ कि ये वाले में भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, सपोर्ट मिले एंड प्यार मिले आप सबको। वेल फैंस के लिए मैं इतना चाहूँगा कि यार आप लोग हमेशा से प्यार देते आए हैं, प्लीज़ आगे भी बरकरार रखें और या थैंक यू विजुअल्स।